5 दिसंबर को जो हादसा हुआ, महाराष्ट्र के हर घर में दुख तो हुआ, मगर मेरी माँ जो अनपढ़ है, उनने जब टीवी पे न्यूज देखी तो हमारे गांव में, हमारे एरिया में जब कोई घर का आदमी चला जाता है तो उस घर का वो सदस्य, वो माँ हो या बहन हो या कोई भी हो, वो होसका बोसकी रहते। आपने देखा होगा, सुना होगा। उसी तरह मेरी माँ रोने लगी। मेरी माँ को शांत करने की सब लोग कोशिश कर रहे थे, ऐसे दादा सबके दिल में बैठे थे, और उस दादा को आज हमारे बीच में नहीं है। महाराष्ट्र है आनंद सिंह जी ठोके, 5 मिनट के लिए वो बोलेंगे, समय का अभाव है। आनंद सिंह जी ठोके महाराष्ट्र आए हुए हैं। आपका आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे, इसी के साथ जय हिंद जय भारत। क्षत्रिय हृदय सम्राट सुप्रीमो श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर सुखदेव सिंह दादा साहब गोगामेड़ी जी को, मैं श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना महाराष्ट्र और पूरी टीम, मेरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भगवान उनकी आत्मा को चीर शांति दे। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना 2016 में मुंबई में प्रोग्राम हुआ, वो मुंबई में प्रोग्राम में मेरा एक खुद का संगठन था महाराष्ट्र में, महाराणा प्रताप राजपूत महासंघ करके, मगर जीवन सिंह सोलंकी ने फेसबुक से मेरा नंबर लिया और उस दिन प्रोग्राम के लिए मुझे बुलाया गया। उस प्रोग्राम में मुख्य अतिथि और प्रमुख वक्ता सम्मान्य सुखदेव सिंह दादा गोगामेड़ी थे, और मैंने सुखदेव सिंह दादा गोगामेड़ी को वहां सुना, उनका कार्य करने का तरीका देखा, और उसी दिन उसी प्रोग्राम में मैंने मेरा पूरा संगठन श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना में विलीन किया और उनके साथ आज तक काम कर रहा हूं। दादा ने पूरे महाराष्ट्र में हमने एक एक घर, एक एक से करनी सैनिक क्या बनाए। मैं एक छोटी सी बात कहूंगा, आज यही मन से योगसा ने और पूरी टीम ने भाभी साहब को या कार्यकारी अध्यक्ष बना है, तो मैं आपको ये भी आश्वासित करना चाहता हूँ कि जैसे दादा के कार्यकाल में हमने सच्चे करनी सैनिक बन के काम किया, उसी तरह भाभी साहब के भी कार्यकाल में हम पक्के अच्छे सच्चे करनी सैनिक बन के काम करेंगे, और जो दादा का अधूरा सपना है उस सपना को पूरा करने की हम लोग ये शपथ लेते हैं कि जब तक हम जिंदा है तब तक श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के साथ और शीला भाभी के साथ है। धन्यवाद।